साथियों नमस्कार। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हो ये गढ़रा महाविद्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 65 छात्र और 40 बालिकाएं छात्राएं, इस जो इनकी मांगे अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये सब इनकी मांगे हैं। ये मांगे पूर्ण नहीं हो रही है, इसके लिए ये कल सुबह 9 बजे से हड़ताल पे है। जैसा कि अभी आप वीडियो देख रहे हो साथियों, कल रात को जब नाइट के टाइम इनके लिए, इनके पास बैठने के लिए, बिछाने के लिए दरी नहीं थी, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर दो बच्चों की हालत नाजुक होने से जिला अस्पताल लेके गए और अभी तक बच्चों की मांगे मानी नहीं गई है। और बच्चों का कहना है कि आगे भूख हड़ताल करेंगे। छात्र छात्राओं का कहना है यदि हमारी मांगे पूर्ण तरीके से नहीं मानी गई तो जब तक अधिकारी खुद लिखित में नहीं देंगे तब तक छात्राओं का कहना है कि ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा अधिकारियों द्वारा तब तक सहन करेंगे। और रही बात वीडियो कॉल के माध्यम से या अन्य किसी कारण से बात कर रहा है वो उचित नहीं है। एक बार आए यहाँ पर समस्या देखे, अगर उसको लगता है ये समस्या नहीं है तो जो वो निर्णय देगा हमें मंजूर है। और हमारा कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक ना तो कॉलेज प्रशासन से वहाँ बात करने के लिए गया है, अगर कोई गया है वो हमारा लीडर नहीं है। आप उसकी बातों पे आकर कोई निर्णय ना लें क्योंकि ना तो उसको कुछ पता है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने हित के लिए वहाँ गया है और उसकी बात सुनकर आप ये निर्णय लेते हो, ये गलत है। आपको गढ़रा आना पड़ेगा, ये हमारी लास्ट अंतिम वार्निंग है। आप गढ़रे आए और हमारी मांगे हैं उसको सुने, उसके बाद में निर्णय ले। जब तक हम यहाँ पर एक भी छात्र इस धरने को समाप्त करके कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं पर बैठेगा चाहे वो रात की सर्दी कितनी भी बढ़े, चाहे सुबह बैठना पड़े, चाहे शाम बैठना पड़े, या एक दो दिन बैठना पड़े, आगे भी हम बैठे रहेंगे। इसी प्रकार से ये संख्या अब बढ़ती जा रही है। कॉलेज प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और अभिभावक भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी धीरे धीरे हमारे साथ आ रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारा सहयोग बना।